हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बाइक लॉन्ग राइड पे जाने के लिए परमिशन मांग सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि आप कभी भी जाते हैं 500-600 किलोमीटर की राइड के लिए परमिशन मांगते हैं घर वालों से, तो घर वाले क्लियरली मना कर देते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था। तो एक छोटा सा प्रोसीजर है इसके लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 6 महीने आपको उनका ट्रस्ट गेन करने में लगेंगे कि आप सेफ्टी के साथ जा सकते हैं और सेफ्टी के साथ वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए आपको क्या करना है, बेबी स्टेप्स लेने। बेबी स्टेप्स मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं आपको। जो अपनी पहली राइड्स होंगी वो 40-50 किलोमीटर की रखनी है, ताकि आपकी फैमिली को ये आपके ऊपर ट्रस्ट गेन हो जाए कि हाँ आप थोड़ी लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। देन मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो फरीदाबाद या मेरठ, 40-50 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी जगह हैं आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी जगह होती हैं आपके एरिया के आसपास 40-50 किलोमीटर के एरिया में, जो आप एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। उसके बाद आप फर्दर आगे जब बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे उससे, तो आप कोशिश कीजिए 100-150-200 किलोमीटर की राइड कीजिए। अब इस चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप जो धार्मिक स्थल होते हैं ना हमारे एरिया में या आजू बाजू में कहीं भी 100-200 किलोमीटर में, आप उनके लिए परमिशन मांगें। तो घर वाले उसकी परमिशन ईजिली आपको दे सकते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली से हरिद्वार जाता था, मथुरा वृंदावन जाता था, तो 3-4 बार वो करने के बाद घर वालों को मुझ पर ट्रस्ट गेन हो गया था कि हाँ हाईवे राइडिंग के मामले में लड़का ठीक है। बाकी इसमें एक चीज़ और है, जो आपके घर में सबसे ज़्यादा राइडिंग का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो, मेरे मामले में मेरे चाचू थे, तो एक बार ही मैं उनको दिल्ली से आगरा ले गया था, आगरा से दिल्ली लेके आया था अपने पीछे बैठा के, तो उनको मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया था कि हाँ हाईवे राइडिंग कर सकता है। धीरे धीरे ऐसे चलते चलते फिर आप 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की राइड कीजिए, फिर देन 400-500, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे उस तरीके से आपके घर वालों को ट्रस्ट गेन होता रहेगा कि सेफ्टी के साथ लड़का जाएगा, सेफ्टी के साथ आएगा। अब ये चीज़ लड़कियों के मामले में भी लागू होती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो अभी हाल फिलहाल में ही गुजरात की राइड करके आई है, अराउंड 1 वे 1600 किलोमीटर के आसपास उसका पड़ा था, स्पॉन्सर्ड राइड थी वो एक, तो वो हो गया ये। मे भी शायद नेक्स्ट आपको उसका एक रिव्यू मिलेगा, उसका और उसकी FZV3 का नेक्स्ट वीडियो शायद वही आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अब संडे मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, तो शायद नेक्स्ट वीडियो वही आए या फिर एक्सपल्स 200 का रिव्यू आएगा, मेरा रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसी चीज़ में सेकंड पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो कि है सेफ्टी गियर्स। अच्छे से अच्छे सेफ्टी गियर्स में इन्वेस्ट करिए। मेरे मामले में मैं एक्सोर का शार्को एपेक्स सीरीज़ का आता है, अराउंड 5000 के आसपास का हेलमेट है, वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा आप अगर बजट आपका अच्छा हो तो आप नी गार्ड्स ले सकते हैं, राइडिंग पैंट ले सकते हैं, बूट्स ले सकते हैं। मेरे मामले में आर्मी बूट्स मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बजट भी ज़्यादा नहीं जाता उनसे और सेफ्टी के मामले में भी ठीक ठाक रहता है। राइडिंग जैकेट आप खरीद सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा हो, अराउंड Level 2 की आप प्रेफर कीजिएगा, जितने भी उसके आर्मर्स हों Level 2 के रहें। Level 2 में कम्फर्ट भी अच्छा मिलता है और सेफ्टी भी आपको अच्छी मिलती है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सेफ्टी गियर्स खरीदने की कोशिश करें, ताकि आपके घर वालों को भी ये रहे कि आप सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी आपके लिए मैटर करती है। तो यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बेबी स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे जब 40-50 किलोमीटर की राइड्स कीजिए पहले, उसके बाद आप मूव ऑन कीजिए 100-200 किलोमीटर की राइड पे। जो धार्मिक स्थल होते हैं हमारे यहाँ उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, घर वालों से परमिशन ईजिली मिल जाएगी इन चीज़ों के लिए। जब ऐसे करते करते आप 8-9 राइड कर चुके होंगे, तो आपके घर वालों को इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होगा कि आपको किसी और राइड पे 400-500 किलोमीटर की राइड पे आपको इजीली भेज पाएँ। जब वो राइड्स आप कर लेंगे, देन आप उससे आगे की राइड्स भी कर सकते हैं। जैसे मेरे मामले में मैं अभी तक 1400 किलोमीटर के आसपास की लॉन्ग राइड्स कर चुका हूँ, लगभग 11-12 राइड्स हो चुकी हैं मेरी, 1300-1400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहा है उतने की। मे भी शायद थोड़े टाइम में मैं स्पीति जाने वाला हूँ, होपफुली जब तक अगर थोड़े सब्सक्राइबर गेन हुए तो मैं कोशिश करूँगा आप में से भी कुछ को ले जाऊँ अपने साथ। तो यही थी आज की वीडियो, थैंक यू, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।